हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कपिल भाई है। पिछले वीडियो को देखकर आपने सीखा कि कैसे आप फ्री में ब्लॉगर से वेबसाइट को बना सकते हैं और कैसे उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन अब आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पोस्ट लिखने का तरीका बताएंगे, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपने वेबसाइट तो मेरे कहने से बना ली, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब आप उस पर कौन सी पोस्ट डालेंगे, कैसे डालेंगे, आपको कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ पर एक ऐसा यूनिक तरीका बताने वाले हैं कि यहाँ पर आपको ना तो सोचना पड़ेगा और ना ही टाइप करना पड़ेगा, ना ही ना पड़ेगा। पोस्ट आपको बनी बनाई मिल जाएगी, बस आपको वहां से उठाना है और अपनी वेबसाइट पर डालना है और कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, आपकी पोस्ट मोनेटाइज हो जाएगी और आप उससे पैसा कमाएंगे। 100% गारंटी है कि आप उससे पैसा कमाएंगे, क्योंकि कपिल भाई आपको ऐसे ही यूनिक टॉपिक लेके आता है और यही भरोसा है कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि मैं जो आर्टिकल लिखने का यूनिक तरीका आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, यह मैंने काफी मेहनत की है। यहां पर दोस्तों करना क्या होगा, किसी दूसरे का कॉपीराइट होगा ही नहीं, कैसे करना है सब कुछ प्रोसेस बताने वाले हैं। स्क्रीन पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहां पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है और यहां हम आ चुके हैं ब्लॉगर पर, जहां पर हम अपनी वेबसाइट पर पोस्ट लिखते हैं। तो यहां पर आप लोग इस तरीके से अपना इंटरफेस खोल लीजिएगा और यहां आपको पोस्ट लिखने के लिए सबसे पहले पोस्ट पर जाना है। जैसे आप पोस्ट पर जाते हैं, आपको न्यू पोस्ट क्रिएट करना है। जैसे आप न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं तो यहां पर इस तरीके से पोस्ट लिखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब हम यहां पर अगर पोस्ट को लिखते हैं तो यहां पर बहुत मेहनत लगेगी। अगर हम वॉइस टाइपिंग करते हैं तब भी बहुत मेहनत लगेगी। अगर हम कहीं से कॉपी करते हैं किसी की वेबसाइट से तो वो हमें कॉपीराइट दे देगा, इसका हमें बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो हमें सब कुछ ये काम नहीं करने हैं, ऑटोमेटिक हमारा पोस्ट बन के आ जाएगा, बस हम यहाँ पर डाल देंगे। वो भी हम कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको चलना होगा यूट्यूब पर। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें अभी ब्लॉगर से वेबसाइट के बारे में बता रहे थे, आप यूट्यूब पर क्या करने आए हो। तो यूट्यूब पर दोस्तों सब कुछ खेल यहीं पर करने वाले हैं, यहीं से हमें कंटेंट मिल जाएगा और यहीं से हमारी पोस्ट बन जाएगी। कैसे, जैसे मान लो हम इसका पोस्ट बनाना चाहते हैं, ये हमारा वीडियो है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस वीडियो का लिंक कॉपी करना है। आपको यूट्यूब पर जो भी वीडियो अच्छा लगता है जिसका आपको अपना पोस्ट बनाना है, उसके लिए आपको सिर्फ उसका लिंक कॉपी करना है। जैसे कि इस वीडियो में मैंने एक जानकारी दी है कि कैसे आप अपने खाते में डीबीटी ऑन कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं एक हमारा पोस्ट भी बन जाए हमारी वेबसाइट पर कि कैसे आप अपने खाते में डीबीटी ऑन करेंगे। तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करना है, सिंपल हमें वीडियो का लिंक कॉपी करना है। तो ऐसे ही मान लीजिए आप किसी के भी वीडियो का लिंक कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका लिंक कॉपी हो जाएगा, उसके बाद आपको एक वेबसाइट पर चलना होगा। यहां पर दोस्तों आपके लिए अब सहारा लेना है एक वेबसाइट का, जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं, bizard.ai। यह हमारे लिए क्या करेगा कि जो हमने वीडियो का लिंक कॉपी किया था तो उस वीडियो में जो हमने बोला था उसको ये लिख देगा। टोटल वीडियो में हमने जो भी बोला है सब कुछ ये लिख के हमारे लिए पोस्ट बनाकर दे देगा। बस इसको उठाकर हमें अपनी ब्लॉगर पर डालना है। अब कैसे करेंगे, इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आप वहां से इस पर जा सकते हैं। इस पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये सब कुछ फ्री है, पैसा नहीं जाएगा आपका। अब आपको यहां पर एक कन्वर्ट वीडियो टू टेक्स्ट आ रहा है, मतलब वीडियो से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी ये वेबसाइट, हमें यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सिंपल हमारे लिए वीडियो का लिंक डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर हमें जो हमने वीडियो का लिंक कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम लिंक पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियो ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो किस भाषा में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको 30 भाषाएं दी गई हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी वगैरह बहुत कुछ है। तो यहाँ पर हम हिंदी लगा देते हैं और हमें अपलोड पर क्लिक करना है। बस इतना ही हमें करना है, बस हमारी वीडियो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं 100% अपलोड हो चुकी है इस वेबसाइट पर। अब यहाँ पर क्या करना है, सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब हमें नेक्स्ट करने पर क्या मिलेगा, जो हमारे वीडियो में हमने बोला था वो सारा कुछ यहाँ पर लिख जाएगा। देखिएगा आप कितना चमत्कार जैसा हो गया कि जो भी मैंने वीडियो में बोला था ये सब कुछ यहाँ पर देखिए लिख के आ चुका है। अब हमें करना क्या है, सिंपल इसको कॉपी करना है और एक अपनी ब्लॉगर की पोस्ट बना देनी है या वेबसाइट की पोस्ट बना देनी है। तो सिंपल हमें क्या करना है, इसको हमें सिंपल सिलेक्ट करना है। इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए, जितना भी आपका जो बोला हुआ मैटर है वो टेक्स्ट में आ चुका है और इसको हम सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर कॉपी करेंगे तो आपके लिए लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा, बिना लॉगिन किए ये कॉपी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना, उसके बाद ये कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी करने के बाद में अब हम चलते हैं फिर से ब्लॉगर पर, जहां पर हमने पोस्ट बनाने के लिए पेज खोला था। अब यहां पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे हमने पेस्ट कर दिया है, ये पूरा मैटर हमारा यहाँ पर आ चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा है। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, चेंज करना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने बोला है वीडियो में
कि हम आपके लिए बैंक अकाउंट में डीबीटी ऑन करने का प्रोसेस बता रहे हैं। तो जैसे कि जो भी आपको इसमें कुछ वर्ड जो है गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कैच करता है, तो उसको एक बार आप पढ़ के उस वर्ड को सही कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रोसेस की जगह पे यहाँ पर कुछ और लिख गया है, तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं प्रोसेस, ठीक है, ये सही हो गया। इसी तरीके से देखिए ये डीबीटी गलत हो चुका है, तो हम यहाँ पर डीबीटी लिख देते हैं, हमने डीबीटी लिख दिया है। और एक चीज़ आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लॉगर के लिए या वेबसाइट के लिए कोई पोस्ट बनाते हैं, तो उसमें आपको कुछ वर्ड इंग्लिश में बीच में ज़रूर डालने हैं। जैसे कि मैंने डीबीटी लिख दिया है, अकाउंट कहीं पे लिखा होगा तो अकाउंट इंग्लिश में लिख दीजिए। इनसे क्या होता है कि हमारी पोस्ट गूगल के सर्च में जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ हेडिंग्स डालनी है और यहाँ पर फोटो लगाना है, तो फोटो भी आपको बनाना नहीं है, सिंपल हमने जिस वीडियो का लिंक कॉपी किया था फिर से उसी वीडियो का लिंक हमको कॉपी कर लेना है। ये देखिए मैंने फिर से लिंक कॉपी कर लिया है, और यहाँ पर दोस्तों हम एक वेबसाइट पर चलेंगे इस फोटो को डाउनलोड करने के लिए, जो कि वीडियो पर थंबनेल लगा हुआ है। यहाँ हम चलते हैं एक वेबसाइट पर जिसका नाम है थंबनेल डाउनलोड। यहाँ हमने थंबनेल डाउनलोड की एक वेबसाइट ओपन कर ली है, यहाँ पर हमने इस लिंक को पेस्ट कर दिया है और बस हमें जनरेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वीडियो पर कवर पेज लगा था वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम सिंपल यहाँ पर सेव करके डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए हमने इसको लिए डाउनलोड कर लिया है। अब हम अपनी पोस्ट के अंदर इसे लगाना चाहते हैं, तो जहाँ पर भी हमें लगाना है वहाँ एक बार एंटर करेंगे और उसके बाद आपको ये आइकन मिल जाएगा इमेज का, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से जाते हैं ब्राउज करेंगे, ब्राउज पर जाने के बाद फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है, ये देखिएगा आ गया है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। जैसे कि मैंने बताया टेक्स्ट कहीं पे आपका गलत लिखा हुआ है, उसको सही कर लीजिए, और कुछ हेडिंग्स डालनी है बीच बीच में जिनसे हमारी जो पोस्ट है उसकी सर्च रैंकिंग बढ़ जाती है, SEO सही हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं DBT NPCI ऑन कैसे करें, जैसे मैंने लिख दिया है तो इसको सिलेक्ट करना है और हमें यहाँ पर जाना है और इसको बड़ा कर देना है और इसको बोल्ड भी कर देना है, अंडरलाइन भी कर देना है। इस तरीके से एक हेडिंग्स बन गई। जगह जगह आर्टिकल में कई सारे हेडिंग्स होते हैं, उनको आपको ज़रूर डालना है। साथ में अगर आपके कुछ पॉइंट के ऊपर बात की गई है, तो अगर आप उन पॉइंट को नंबरिंग देना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक नंबरिंग का ऑप्शन आता है, ये वाला, इसको क्लिक कर देते हैं, इस तरीके से नंबरिंग आ जाती है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने इस पोस्ट को एक बार देखिए क्रिएट कर लिया है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने हेडिंग्स भी डाल दी है और यही हेडिंग्स मैंने उठाकर या फिर थोड़ा सा चेंज करके इसका टाइटल भी बना दिया है, जो भी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि टाइटल डालोगे तभी आपकी पोस्ट कंप्लीट बन पाती है। तो टाइटल डाल दिया है, इसी तरीके से हेडिंग्स बना दिए हैं और देखिए फ़ोटो ऐड कर दिया है और कुछ वर्ड मैंने इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जिससे हमारी पोस्ट की रैंकिंग गूगल में बढ़ जाएगी। और हम नीचे चलते हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने इस पोस्ट को मॉडिफाई किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये नंबरिंग भी मैंने डाल दी है और कुछ हेडिंग्स भी डाल दिए हैं, और साथ में मैंने यहाँ अपने वीडियो का लिंक भी डाल दिया है कि अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है तो वीडियो में भी देख सकता है यहाँ पर क्लिक करके। तो इस तरीके से इस पोस्ट के ज़रिए हम अपने वीडियो पर ट्रैफिक भी ला सकते हैं, और ये हमने सब कुछ बना दिया है। अब यहाँ पर इसी तरीके से आप ऑटोमेटिक पोस्ट लिख सकते हैं, मतलब ना तो आपको मेहनत करनी होगी ना ही आपको टाइपिंग करना होगा। अब इसमें कॉपीराइट भी किसी का नहीं आएगा, क्योंकि किसी से मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक वीडियो से निकाला है ये टेक्स्ट। अगर किसी की वेबसाइट से टेक्स्ट उठाते हैं हम तो वो कॉपीराइट में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, इसमें हमने खुद मॉडिफिकेशन किया है, वेबसाइट से नहीं किसी की वीडियो से टेक्स्ट बनाया था और उस टेक्स्ट से हमने जो है इसमें चेंज करके एक पोस्ट बना दी है। दोस्तों इस तरीके से आप भी बहुत ही कम टाइम में इस वेबसाइट का और यूट्यूब का मदद लेके इस तरीके से एक पोस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस जो है वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन करके और इसमें जो है इसी तरीके से किसी भी वीडियो का टेक्स्ट बनाकर आप जो है यहाँ पर अपनी पोस्ट लिख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर कपिल भाई आपके लिए इसी तरह के रोजाना कंटेंट लाता रहता है।